से मैंने पहले भी कार थी उसमें भी व्हील तो मैं भाई हरी गाड़ियों में डलवा। साल में कोई ऐसी गाड़ी नॉइज करके हमने 220 वाट लगवाया। आप वार्निंग पढ़ सकते हो, दिस साउंड सिस्टम इन दिस व्हीकल इज मोर पावरफुल देन इट्स इंजन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को ऐसी स्कॉर्पियो दिखाऊंगा जो कि फुली मॉडिफाइड है और जिसके अंदर मतलब अलॉय वगैरह HID सब ऊपर ऐसा लगा हुआ है जो सारी आप अगर बात करना पूरी रोड हिला देता है। पूरी रोड पर जितने लोग देखते हैं वो सब हिल जाते हैं। सो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइस, आज हमारे साथ है स्कॉर्पियो मॉडिफाइड जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक है। सो इसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई हुई है और कितनी एक उसकी कॉस्ट आई है। सो आइए वीडियो करते हैं शुरू। हमारे साथ है वीडियो गाड़ी के भाई, हमारे साथ है युवराज भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया। साथ में गुरकीरत भाई और लक्ष्य भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया। सो बात करते हैं भाई सबसे पहले स्कॉर्पियो के बारे में। जैसे स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो की ये S11 है। तो S11 ये अपनी नई वाली है, 2023 मॉडल क्लासिक में। तो सबसे पहले भाई स्टॉक कंपनी से तो ऐसी आती नहीं है, तो ऐसी बनाने के लिए अपने फ्रंट प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चेंज करा हुआ है? फ्रंट में LED लगवाई हमने, 220 वाट LED और 110 LED। प्रोजेक्टर में 220 है और फोग लैंप में 220 है और हाई बीम पे हमने लगवा रखी है 110 LED। ठीक है। तो भाई अगर बात करते हैं जैसे गाड़ी आप ड्राइव करते हो युवराज भाई, तो भाई इसमें बिल्कुल फ्रंट में जैसे गाड़ी में मतलब हम बात करें अगर गाड़ी हाई बीम पे चल रही है तो सामने वाले बंदे का क्या रिस्पॉन्स रहता है? जैसे मेरे भाई को सामने से आता है वो बस उसको दिखता ही नहीं आगे कुछ। अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स एक बहुत ज्यादा हाई एंड रिस्पॉन्स हो जाता है। और वैसे अगर हम रिकमेंड करते हैं तो इतनी एक बहुत है, वैसे नॉर्मल 150 वाट लोग लगवाते हैं भाई। अपना शौक है, जैसे हमें ज्यादा लाइट का था इसलिए लगवाई। तो साल में कोई ऐसी गाड़ी नॉइज करके हमने 220 वाट लगवा रखी है, अभी तक किसी कार में नहीं। अच्छा, मतलब करनाल के अंदर एक वन इन मतलब कर दिया हमने करनाल के अंदर स्कॉर्पियो। तो साथ में बात करते हैं सबसे पहले भाई, जैसे यहाँ पे फ्लैशेस लगे हैं तो फ्लैशेस क्या ये दोनों सेम ऐसी बस मतलब रेड और ब्लू में ही है? तो क्योंकि एक आते ना अलग सी लाइट्स में भी कनेक्ट होते हैं, रेड और ब्लू में है, ये भी किसी की स्कॉर्पियो में नहीं दिखेगा करनाल में आपको। ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, जैसे फ्रंट में अपने को ये एक दो चीजें देखने को मिल जाती है, इसके साथ फ्रंट में और क्या चेंज हुआ है? मेगासोनिक के रूट्स लगा रखे, वो हमने ब्लैक करा रखे हैं। अच्छा, वो ब्लैक करा रखा था कि सामने से ना दिखे क्रोम के होने में। तो आइए बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल से। गाड़ी फ्रंट से तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, आप साइड से देखते हैं गाड़ी कितनी और एनहांस करती है लुक को। सो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अलॉय। तो अलॉय के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भाई ये अलॉय की कहानी क्या है जैसे आप बता रहे थे भाई? जैसे कि मैंने पहले इसमें 305 टायर डलवा लिया था थार का, तो जैसे इसकी कटाई करता था मैं उस टाइम रात को लेट गया था मैं, 1-2 बज गए थे हमें, तो हमने एक्स्ट्रा पैसे दे के वहाँ दुकान खुलवाई उनकी। उसके बाद फिर जैसे इन्होंने 305 टायर डाल दिया वो अड़ने लग गया, वो थार का टायर था। तो फिर नेक्स्ट डे मैं वापस चंडीगढ़ गया तो उन्होंने फिर 285 एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 285/40R22 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को और जैसे आगे से थोड़ी बहुत ही कटिंग भी करवाई थी। अच्छा, तो अपना मतलब यहाँ से कटा हुआ फेंडर लाइन की। तो भाई इसमें मतलब ऐसा लगता है कि सस्पेंशन पे थोड़ी सी सस्पेंशन स्टिफ हो जाती है या आप बात करें तो? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गाड़ी का रिस्पॉन्स सही है, चलती है व्हील लगने के बाद। और बॉडी रोल का मतलब इसमें ऐसा कोई इशू आया हो अपना? कोई इशू नहीं। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जो S11 स्कॉर्पियो क्लासिक आती है उसमें आपको फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। साथ में बात करते हैं गाड़ी के अदर मॉडिफिकेशंस के ऊपर। साथ में हम लोग बात करते हैं जो हमारे जो रियर के जो अपने अलॉयज हैं उसके अंदर जो आपको एक गोल्डन पार्ट देखने को मिल रहा है, ये आपका पेंटेड है। सो इसके साथ भाई बात करते हैं कि भाई जैसे इसका रिस्पॉन्स है अलॉयज के साथ, जब जैसे अपनी स्कॉर्पियो के अंदर अलॉयज लग जाता है तो उसकी लुक एक अलग ही एनहांस होती है। तो आपका क्या कहना है कि ज़्यादातर लोगों को अलॉय डलवाने चाहिए स्कॉर्पियो में? और इससे बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई लगती है फेंडर लाइन में और दूसरा रिस्पॉन्स बॉडी रोल बढ़ जाता है, इसमें आपका कुछ कहना? ना तो कोई बॉडी रोल बढ़ता है, बल्कि मेरे को तो और ऐसा लग रहा है कि और अच्छे से गाड़ी चल रही है।
और जैसे भाई स्कॉर्पियो लेते हैं, मैं तो जैसे मैंने पहले भी कार थी उसमें भी व्हील तो मैं भाई हरी गाड़ियों में डलवाता हूँ अपनी, हमारे जितने भी ग्रुप में सारे की गाड़ियों में व्हील है। ठीक है, इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, अभी हम अंदर के जो सवार सारा सामान दिखाएंगे उससे पहले आप लोग ना यहाँ पे रियर के अंदर पढ़ लो, स्कॉर्पियो तो नॉर्मल हो गया, क्लासिक भी हो गया, S11। नीचे आप लोग वार्निंग पढ़ सकते हो, दिस साउंड सिस्टम इन दिस व्हीकल इज मोर पावरफुल देन इट्स इंजन। ठीक है, सो इसी बात पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जितना भी इंटीरियर के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है और एक्सटीरियर में जो हमारी लाइट्स है, सो वो सारा गुरकीरत भाई की शॉप है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक बार भी आप अपना सारा बता दो। मेरी शॉप मुगे कनाल पे है, कार टाउन के नाम से, शॉप नंबर 51। ठीक है, फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में भाई कस्टम प्लेट्स है, सो कस्टम प्लेट्स का आपके बारे में क्या कहना, जैसे आजकल INDI की अप्लीकेबल हो गया भाई, वो अच्छी नहीं लगती। और मेरा मुद्दा तो ये था कि चलाना जाता है, ये चक्कर था ज्यादा। तो सो नीचे आप लोग रिफ्लेक्टर देख सकते हो, रिफ्लेक्टर ही आपके आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। इसके साथ मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें स्मोक नहीं मिलती, जो कि रियर टेल लैंप्स है। भाई स्मोक वगैरह कराने का कोई ऐसा रीजन कि स्मोक नहीं करवानी? नहीं नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं भाई, बस अच्छी लगती थी इसलिए। अच्छा, मतलब इसके साथ वैसे नॉर्मल सही लगती है, क्योंकि बहुत से लोगों में देखा या तो डीक्रोमिंग कर देंगे या फिर बिल्कुल ही जो रियर टेल लैंप्स उसको स्मोक कर देंगे। नहीं बस भाई इतना इतना जो एरिया था यही सही लगा था। अच्छा, मतलब मैं आप बारी आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो इतना सा अपना पोर्शन है वो आपको दोनों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में एक बार मैं पहले आप लोगों को सिस्टम दिखा देता हूँ नॉर्मली, एंड में आपको गाड़ी की आवाज़ सुनाऊंगा। आप लोग देख सकते हो वाइपर ऑडियो का बॉक्स, साथ में पाइनियर के दो सबवूफर्स लगे हुए हैं। सो आइए एक बार पहले हम आगे अपना फर्स्ट केबिन से स्टार्ट करते हैं इंटीरियर। सो आइए एक बार पहले मैं आप लोगों को एम्बियंट दिखाता हूँ, जो ये आप सारी एम्बियंट लाइन देख रहे हो, लाइट देख रहे हो सारी की सारी, डैशबोर्ड पे भी अपना डोर पैनल्स पे भी। तो बात करते हैं कि भाई ये जो एम्बियंट लाइट्स है, ये कार्टी के 4 सीरीज है, 6 पीसेस में लगी हुई है, 4 डोर पीसेस और 2 डैशबोर्ड में। तो दो मतलब अपनी डैशबोर्ड में, बाकी चारों अपने उसमें है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि ये जितनी भी लाइट्स वगैरह हो गए, अपना गाड़ियों का जो मॉडिफिकेशंस होगी वो सारी बिया की शॉप से हुई हुई है। सो इसके साथ हम लोग बात करते हैं कि भैया एक तो ये हो गए, अब इसके साथ अपने जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो कौन सी कंपनी के लगे हैं? डेप बोन्स के लगे हुए हैं। ठीक है, डेप बोन्स के अपना चारों डोर्स के अंदर लगे हुए हैं, और के लगे हुए हैं और दो पीछे लगे हुए हैं, और अवतार के वो लगे हुए हैं, ट्विटर लगे हैं। ठीक है, ट्विटर लगे हैं। अब बात करते हैं जो मेन चीज है, जो मतलब ज्यादातर व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं कि भाई अपनी सबसे पहले लाइट्स पे और अलॉयज पे कितनी कॉस्ट आ गई होगी। लाइट्स पे मेरे भाई 15,000 के अराउंड तो लाइट्स पे कॉस्ट आई थी, और अपना व्हील का मेरे भाई लगभग 25-30 के अराउंड था। लोग कहते हैं इतने के हैं भाई, अपना तो सच बताएंगे 80,000 के तो अपने ये चले गए थे, और हमने 65-70,000 अपने ऊपर दिया था, जो टोटल कॉस्ट अपना बना था 130-135 के राउंड था, अप्रोक्स 135,000 पहुंच गया था। तो इसके साथ बात करते हैं कि अपना इंटरनल वैसे ऐसा सच कुछ अपना चेंज नहीं है ना, ज्यादा एक एंड्रॉइड लगा हुआ है, स्टीरियो चेंज है भाई, ये कंपनी की साइड से आया हुआ है। ठीक है, पहले दूसरा आता था, अब कंपनी की साइड से मतलब अपना चेंज हो गया स्टीरियो। ठीक है, एंड्रॉइड आ गया। अब इसके साथ हम लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को सीट कवर्स की फिनिशिंग चेक करवा देता हूं रियर से भी और फ्रंट से भी। सो एक बार आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर के फुल ब्लैक सीट कवर्स है, साथ में जो अपनी स्टिचिंग है वो रेड कलर की है। सो आप लोग अच्छे तरीके से मतलब एक बार क्लियर चेक कर सकते हो, और जो फिनिशिंग आई है वो आप लोग चेक कर सकते हो। अब भाई बात करते हैं कि जैसे एक अलग सी चीज़ है जो मतलब मेरे भी दिमाग में और आपकी मतलब हर बंदे के दिमाग में होते हैं कि इतना बड़ा सिस्टम लगवाया हुआ है तो फैमिली बैठ जाती है गाड़ी में? भाई जब फैमिली बैठती है चलाते ही नहीं है, मतलब यूज ही नहीं करते बिल्कुल। यार दोस्तों के लिए कार है। अच्छा, फैमिली के लिए नहीं है। तो अच्छा एक चीज, आप जैसे यार दोस्तों की आप बात कर रहे हो, इसमें 4-5 जने अगर बिठा दे तो बेस चल जाता पीछे? चल जाता भाई। तो भाई अगर जैसे आपके पहले स्विफ्ट थी, तो स्विफ्ट में और इसमें जो फर्क है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 जने पीछे बैठ जाते हैं गाड़ी में, पूरी गाड़ी में अपना 4 जने बैठ जाते हैं, तो सिस्टम चल जाता है इतनी आवाज पे? चल जाता मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। आप खुद अंदर बैठ के देखना, बहुत प्यारी आवाज बनी हुई है इस टाइम गाड़ी की। और जैसे स्विफ्ट में तो पहले सिर दर्द हो जाता था बंदों का, वो बैठ नहीं पाते थे, और उसकी जो बेस थी वो भी ज्यादा लाउड थी, पर इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे साउंड के मामले में मैंने पहले कह दिया था कि बंदे परेशान नहीं होने चाहिए, चाहे पैसे जितने मर्जी लग जाए, बस उसी हिसाब से अपना भाई स्पीकर भी है अपना कौन से स्पीकर, डेप बाउंस के स्पीकर है, और पीछे ट्विटर लगे हुए हैं, अवतार के ट्विटर आए हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि पूरी साउंड जो अपना साउंड के अंदर इस पर अगर हम बात करें तो कितना एक खर्चा आ गया होगा? भाई साउंड के ऊपर आप लगा के चलो 1,00,000 के राउंड आ गया था, मतलब अप्रोक्स, मतलब स्पीकर डैम्पिंग वगैरह पे 56,000, पता नहीं 55-56,000 थे, बाकी जो ये था इस पे सारे पे टोटल लगा के 1,00,000 तक का था। ठीक है, तो आप लोगों को सजेस्ट करते हो पाइनियर के उस पे, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर JBL की बेस ट्यूब होती है, तो उसमें और इसमें कंपेयर अगर हम करें, कामयाब नहीं है। जो साउंड के मामले में जो साउंड ज्यादा पसंद करते हैं वो यही है अपना पाइनियर हो गया, रॉकफोर्ड पे हो गए, ऊपर ये P3 सीरीज ऐसा कुछ है, ऐसा वो बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं इन स्पीकर से रिलेटेड जो वूफर अपने लगे हुए हैं,
ये आप लोगों को रिकमेंड करते हो अपने दोस्तों? भाई जैसे कि जो साउंड के मामले में है, जैसे हमारा ग्रुप है उसमें जितने भी अपना यार दोस्त है सारे वो साउंड के मामले में ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि भाई है इसके पास भी भरना है, जैसे हमारे पास हमारे ग्रुप में तीन कार है, एक तो इसकी स्विफ्ट थी पुरानी, एक ये है स्कॉर्पियो, एक मेरे पास भरना है। हमने जो कहते हैं तीनों सिस्टम लगवाया है वो उसको लगवाया है एवटार का, जो कि हाईली रिकमेंडेड है, रशियन इम्पोर्टेड है, बहुत अच्छे और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मतलब अगर हम एक बात करें कि अगर कोई बंदा ऐसा लगवाना चाहता है तो वो कितने का बजट लेके चले? बजट मिनिमम जो स्पीकर का बजट है वो कम से कम 50-60,000 का है, प्लस उसमें बेस ट्यूब रहेगी, मतलब अराउंड 100,000 रुपए आराम से लग जाते हैं। मतलब 100,000 का आप लेके चलो बजट। अगर ऐसे 50 वीडियो आई हुई है वो तो लोग कहते हैं 5,00,000 का लगवा लिया, 4,00,000 का लगवा लिया, पर जो सोचा हमने कह रहे हमने तो एक पैसे की आपको रियलिटी बता दी जो कह मिनिमम आती है कॉस्टिंग। मैं आप लोगों को यहाँ से टायर अलॉय दिखाता हूँ अपना, मतलब कितना एक भार है आप लोग यहाँ से जज कर सकते हो। ये आपकी फेंडर लाइन है, सो ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो भाई अब जैसे आपने ये अलॉय डलवाए थे तो आपको मतलब एक बार तो लगा होगा कि फैमिली साथ कभी दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ सकता है, पर उसमें ज्यादातर फेंडर लाइन से अंदर अलॉय की मतलब रहती है। जैसे भाई मैं चंडीगढ़ गया था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, चंडीगढ़ वाले इतना कुछ नहीं कहते। मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली में एंटर करने से पहले ही पकड़ लिया, कहते टायर बाहर है। मैं जी फिर अब कहते इसका तो चलान कटेगा 10,000 रुपए का। आप ये बताओ लेने की दिन है, बस वो अपना हो के 1,000 मतलब बच गया था, ठीक है निकल गया सबसे बढ़िया। तो वैसे मतलब इसके अंदर ऐसा भी होता होगा कि जब बारिश वगैरह का सीजन आता होगा तो ये तो सारी गाड़ी गंदी कर देती होगी। अभी तो धुलवा के लाया था देख लो, तब भी मतलब ये हाल है देख लो, ये देख रहे हैं यहाँ से रिव्यू है। तो भाई अगर हम ऐसे बात करते हैं मतलब ये नाना करते हुए अपने 22 इंची है मेरे भाई, तो 22 में ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्पेशल लगवाना पड़ जाता है, कई बार ऐसा फेंडर लाइन वो काटनी पड़ती है और उठानी पड़ती है गाड़ी, तो इसमें कुछ कहना? फेंडर लाइन तो मेरी जरूर कटी है अगले वाले, पर जो पीछे से है पीछे कोई अपना दिक्कत नहीं आई। ये भाई मेरे साथ गया हुआ था चंडीगढ़ रात, क्या मैं 1-2-3 बज गए थे व्हील डलवाते, तो भाई उन्होंने सारा कुछ काट दिया था, फिर भी जैसे 305 टायर डाल दिया था मैंने बताया था आपको, फिर ये अगले दिन वापिस 285 है, 20 इंच का टायर है, ठीक है। तो इसमें पीछे है, पीछे से मैं कोई 1% की दिक्कत नहीं आती इसमें, पीछे ना कोई अड़ता है ना कुछ, ना मेक ये कर लिफ्ट कराई ना कुछ, बिल्कुल एजिटीज है। जो थोड़ा आगे है, आगे सिर्फ थोड़ी कह रहा है उसकी जो होता है अपना बम्पर होता है उसकी सिर्फ प्लास्टिक कटी थी, वो थोड़े टायर अड़ते हैं थोड़े कह रहा है वाइड है इसके लिए, बाकी और एजिटीज कोई इसमें परेशानी नहीं है। हम 7 बंदे भी कैसे बैठ के 5 भी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वही बात है कि अगर शौक पालना है तो इतना कुछ देखना इतना तो करना पड़ेगा तो कटिंग वगैरह तो, ठीक है। मैं तो उसी दिन गाड़ी लेके आया था, 2 दिन बाद तो मेरी गाड़ी कट गई थी आगे से, मैं चलो कोई नहीं अपना व्हील डलवाना है तो। पर वो वाला जो कटना है वो ज्यादा सही रहता है इन अलॉय को देख के, ओवरऑल आप लोग लुक चेक कर सकते हो गाड़ी की। तो भाई अगर हम सारी बात अगर आप जोड़ दे, अगर हम एक बार देखें आपकी वीडियो के एंड में कि अपनी ओवरऑल कितने की अपनी कॉस्टिंग है, तो भाई अपनी अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल गाड़ी कितने की पड़गी ऑन रोड आज के टाइम में? मेरे भाई असली तो जो मैं तेरे को बताता हूँ, गाड़ी का उस टाइम रेट था 18.5 लाख रुपए, ठीक है। पर उस टाइम मेरे को एजेंसी में एक भाई था जानने वाला आशु, तो उसने हमें ये 17,70,000 की दिलवा दी थी, ऐसे ही कुछ था 17,70,65 ऐसा कुछ था इनके बीच में था, तो बस भाई उसने दिलवा दी थी। उसके बाद 2 लाख अपना ऊपर लग गया, यही लाके चलो 2-2.5 लाख अपना 21-21-20-21 मतलब मोटा मोटा 21 की जगह पड़ गई सीधी बात, तो मतलब वर्थ लगे अपने को लगे मेरे भाई। तो अगर आप लोग चलते हैं लोग देखते हैं मुड़ के, अच्छा हाँ पब्लिक रिएक्शन कैसा है जो मेन चीज है? पब्लिक रिएक्शन भाई देखता है लोग मुड़ के, जो कोई आगे से देख ले तो उसकी तो आंखें बंद हो जाती है, और जो साइड से देखता है वो कहता है वाओ क्या गाड़ी है। और जब सिस्टम एक बार की बात है, मैं और यही जा रहे थे हाईवे पे, सरदार जी साइड में से रोक के कहते हैं ऐसे बढ़िया लग रही है, हम दोनों हंसने लग गए। जैसे आपने जेड करा रखी है मैं वही देख रहा हूँ, आप तो अंदर से रिएक्शन देख लेते होगे पर बाहर वालों को नहीं पता लगता होगा कि अंदर वाले को मतलब पूरे तरीके से। अपना प्रताप सिंह के आगे गया था, एक लड़की आई अपना मुंह उसमें साफ कर रही, मैंने शीशा नीचे उतार दिया, मैं अभी बैठा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।